अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं अपना चैनल डेली डोज़ ऑफ क़ुरान। आज हम सूरह इब्राहीम के मज़ामीन का तज़किरा करेंगे। इस सूरत मुबारका का मरकज़ी मज़मून तो ये है कि इसमें अल्लाह ताला पर, उसके रसूलों पर मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाने और आमाल की जज़ा मिलने पर ईमान लाने को दलाइल के साथ साबित किया गया और ये बताया गया कि हकीकी माबूद वो है जिसने आसमानों और ज़मीनों को पैदा किया और पूरी कायनात में इसके अलावा कोई माबूद नहीं। इसके अलावा इस सूरत में और भी मज़ामीन बयान किए गए हैं। कुफ्फार की मुज़म्मत बयान की गई और कुफ्र करने पर उन्हें शदीद अज़ाब की वईद सुनाई गई और मुसलमानों से उनके नेक आमाल के बदले जन्नत देने का वादा किया गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और हज़रत साले अलैहिस्सलाम और उनके बाद वाले अम्बिया अलैहिस्सलाम और उनकी कौमों के वाक़यात बयान करके ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली दी गई और उन कौमों पर नाजिल होने वाले अजाबात से कुफ्फार मक्का को डराया गया। खाना काबा की तामीर के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्के वालों के लिए अमन और रिस्क की, लोगों के दिल खाना काबा की तरफ माइल होने की, अपनी औलाद की के बुतों को पूजा से बचने की, अपनी औलाद को नमाज कायम करने की तौफीक देने की, अपने वालिदैन और मुसलमानों की मगफरत की जो दुआएं मांगी उसका भी बयान इस सूरत मुबारका में मौजूद है। ईमान और कलमा हक की मिसाल पाक दरख्त से, जबकि गुमराही और कलमा बातिल की मिसाल खबीस दरख्त से बयान की गई। क़यामत की हौलनाकियाँ बयान करके नसीहत की गई और ज़ालिमों के लिए मुख्तलिफ किस्म के अज़ाबात बयान करके उन्हें डराया गया। क़यामत के दिन अज़ाब मुअख्खर करने की हिकमत बयान की गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको क़ुरान पाक की तिलावत करने, इस पर अमल करने और समझ कर दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फ़रमाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु।